हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो काफी बड़ा कमाल का होने वाला है। आज समझने वाले किरचॉफ थ्योरम को एक बड़े वाले एग्जांपल के साथ। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने एक एग्जांपल का ग्राफ 3 vertices के साथ, इसे थोड़ा और बड़ा कर दिया 4 vertices के साथ। ये ग्राफ भी जो है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, तो आप डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला था रिजल्ट था n^(n-2) वो लगा के सीधा फाइंड नहीं कर सकते कितने स्पैनिंग ट्रीज आप जनरेट कर सकते हो विद द रिस्पेक्टिव ग्राफ। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है बिकॉज 1 और 2 के बीच में एक डिस्टिंक्ट एज मिसिंग है यहाँ पे जो नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए कंप्लीट नहीं। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है हम वो परफॉर्म करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं 1, 2, 3, 4 4x4 की एडजेसेंसी मैट्रिक्स जनरेट करनी है क्योंकि यहाँ पे 4 vertices आपके पास मौजूद है 3 and 4 1, 2, 3 and 4 बराबर है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो डायगनल एलिमेंट है वो इनिशियली मैं क्या दे देता हूँ, वो इनिशियली जो है वो मैं 0 दे देता हूँ बराबर है बिकॉज इट्स अ सिंपल ग्राफ नो सेल्फ लूप आर प्रेजेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 के बीच में क्या कोई एज है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 है। फिर 1 का 3 और 4 के साथ एज है तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा बराबर है। 2 का 1 के साथ कोई एज है, नहीं, लेकिन 2 का 3 और 4 के साथ एज है तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। 3 का 1 के साथ है क्या, यस इट इज देयर। 3 का 2 के साथ भी है और 3 का 4 के साथ भी है, 4 का सभी के साथ है लेकिन सिर्फ खुद के साथ नहीं, लाइक दैट ओके। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स मेरी यहाँ पे जनरेट हो गई है, मतलब 2 vertex के बीच में अगर कोई एज मौजूद है तो उसे इंडिकेट करते हैं बाय 1, नहीं है मौजूद तो उसे हम 0 से इंडिकेट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद हमें एक नया मैट्रिक्स जनरेट करना है जो इन 3 नियमों को फॉलो करता हो। कौन से 3 नियम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो 3 नियम को हमें यहाँ पे लगाना है ओके। आप देखते हो कैसे होगा। हाँ, तो पहला नियम क्या है कि जो डायगनल आपके एलिमेंट्स हैं, इन दिस केस जो जीरोस हैं, उन्हें आपको जीरोस को रिस्पेक्टिव वर्टेक्स डिग्रीज के साथ आपको क्या करना है, उन्हें एक्सचेंज करना है फिर रिप्लेस करना है जो भी ओके। तो भाई ये है मेरे डायगनल एलिमेंट्स ओके, इनसे अभी मैं डील करूंगा। तो ये जो जीरो है इसको मैं रिप्लेस करूंगा बाय द डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1। तो इसकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 क्या है, मतलब इस वर्टेक्स 1 का कितने एज के साथ संबंध है, ताल्लुक है, दैट इज यहाँ पे 1 और 2, ये 2 ही दिख रही है यहाँ पे, तो इसका जो 1 का डिग्री है वो 2 है बराबर, इसका डिग्री 2 है। फिर इस 0 के लिए मैं डिग्री ऑफ 2 रेफर करूंगा, डिग्री ऑफ 2 इज 2 करेक्ट है। उसके बाद इस 0 के लिए डिग्री ऑफ 3 रेफर करूंगा, डिग्री ऑफ 3 इज 1, 2 एंड 3, 3 vertex के साथ इस तीन एजेस के साथ इस वर्टेक्स का ताल्लुक है, यहाँ पे 3 है डिग्री ऑफ द वर्टेक्स 3। और 4 जो है उसकी डिग्री कंसिडर करूंगा फॉर रिप्लेसिंग दिस 0, तो 4 की भी यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री इज 3 करेक्ट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद का नियम क्या है, नॉन डायगनल 1 जैसे ही दिख जाए उसको -1 से रिप्लेस कर दो। तो नॉन डायगनल 1 तो काफी सारे हैं यहाँ पे, तो उसे मैं -1 से सिंपली रिप्लेस करता हूँ कुछ इस तरीके से बराबर है, कर दिया रिप्लेस। और भी बचे हैं बहुत सारे, हाँ ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है बराबर हो गए। अगला नियम क्या है कि भाई जो नॉन डायगनल जीरोज हैं उन्हें जीरोज ही रहने दो, उन्हें छेड़ो मत, उन्हें ऐसे ही रहने दो, तो ये कर दिया मैंने यहाँ तक। तो ये आपका एक बढ़िया सा प्रोडक्ट अभी तैयार हो गया है टू गेट फाइनली द आंसर कि भैया कितने स्पैनिंग ट्री जनरेट हो सकते हैं फॉर दिस रिस्पेक्टिव ग्राफ बराबर है। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, को फैक्टर निकालना है ऑफ एनी एलिमेंट, और वो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ बड़े सिंपल तरीके से। लेट्स से मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उससे जुड़ी हुई जो रो है रिस्पेक्टिव रो उसे कैंसिल करूंगा और उसके उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को भी कैंसिल करूंगा, और जो मैट्रिक्स बचती है उसके ऊपर फोकस करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दैट्स इट। तो अभी हम कैसे करेंगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 2 9 -1 -1 -3 -1 बराबर है प्लस -1 -1 1 + 3 बराबर है यहां तक। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, 8 है -1 है, यहां -4 है प्लस -1 है एंड 4 है। नाउ व्हाट इट्स गोइंग टू बी, 2 × 8 दैट इज इक्वल टू 16 डायरेक्टली यहाँ पे ले लेते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड फाइनली यहाँ माइनस बीच में तो ये -4 और यहाँ पे भी -4 एंड फाइनली 16 - 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये उनका कहने का मतलब है कि इस रिस्पेक्टिव ग्राफ के लिए
आप आठ स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट कर सकते हो, आठ स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, कैसे हुआ क्या हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी कुछ चीजें रिलेटेड विद दिस किरचॉफ थ्योरम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और भी कुछ ग्राफ्स का एग्जांपल लेंगे और उसके बारे में जानने वाले हैं। सो दोस्तों हाल फिलहाल ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो है कि भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।